अभी हमने बात किया था सॉल्यूशन, तो कोई भी सॉल्यूशन जब प्रिपेयर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब जुड़ते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूशन में उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे टर्म्स का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। तो ये चीजें होगी, तो कंडीशंस आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब आगे जरा ध्यान दे, तो मोल क्या होता है सबसे पहले वो डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी के ऊपर चलेंगे। तो व्हाट इज द मोल? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंटेन्स एग्जैक्टली द 6.022 × 10²³ एलिमेंट्री एंटिटीज। मतलब किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जिसमें कितनी एंटिटीज हो, एन ए के बराबर हो, एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो। मतलब कार्बन के अगर मैंने इतने एंटिटी को एक साथ रखा तो उसका पूरा वेट कितना आ रहा है, अगर मैंने ऑक्सीजन के इतने अमाउंट को रखा तो उसका वेट कितना आ रहा है, वही उसका होता है मोल, ठीक है। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस दैट कंटेन्स एग्जैक्टली दिस नंबर ऑफ एंटिटीज। इसको भी समझाएंगे कैसे एटॉमिक वेट इस कैसे चीजों को कैलकुलेट किया गया है। एंड दिस एंटिटीज कैन बी एटम्स, दिस एंटिटीज कैन बी मॉलिक्यूल्स, दिस एंटिटीज कैन बी आयंस और अदर पार्टिकल्स। अब ये जो एंटिटीज हो सकते हैं वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आयंस भी हो सकते हैं, वो कोई अदर पार्टिकल्स भी हो सकता है। फिलहाल के तौर पे मोल का बेसिक मतलब यही होता है कि पूरे इतने एलिमेंट होने चाहिए, इस एलिमेंट को ही बोला जाता है एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर, एन ए बोला जाता है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान देने की कोशिश करिए कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए किसी भी अमाउंट के सब्सटेंसेस के लिए, कोई भी सब्सटेंसेस का अमाउंट किसी सॉल्यूशन में कितना है उसका जो एक स्टैंडर्ड यूनिट बोला जाता है वही होता है आपका मोल। तो इसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट बोला जाता है। इतने मोल सॉल्यूशन, इतने मोल इतने वाटर में डिजॉल्व किया गया तो उसकी मोलरिटी इतनी होगी, तो मोल एक स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे कंसीडर किया जाता है। अब मोल को क्लासिफाई किया कैसे जाता है, कुछ इस तरीके से। किसी भी एटम को या किसी भी मॉलिक्यूल को जिसका आपको बेसिक तौर पे मोल निकालना हो, उसके उतने एटम को रख दो, कितने एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम। जब आप 6.22 × 10²³ या 6.23, कई जगह पे ये भी लिखा रहता है 6.23 × 10²³ जब आप रखेंगे, तो याद रहे कि 6.23 × 10²³ नंबर ऑफ एटम्स को आपने रखा तो वही बराबर होता एक मोल के, और उसी से कैलकुलेट किया जाता है मास एटम भी, ठीक है। उसी से कैलकुलेट किया जाता है मास एटम को भी कैलकुलेट किया जाता है। अब मास एटम के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं, तो जैसे अगर आप किसी भी पर्टिकुलर मास एटम को कैलकुलेट करना है, आपको कार्बन को करना है, आपको जो है उसके रिस्पेक्ट में किसी भी पर्टिकुलर एटम का करना है, तो इसी बेसिस पे कैलकुलेट किया गया था। ये माना गया था जिस रेफरेंस में कि कार्बन का 12 ग्राम कार्बन, याद रहे कार्बन का जब वेट देखा गया इतने एटम्स को रख के, 6.23 × 10²³ एटम्स को एक कंटेनर में रखा गया, उस कंटेनर को वेट किया गया, तो कार्बन का जो वेट आया था वो आया था 12 ग्राम। तो उसी बेसिस पे, इसके बेसिस पे कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट निकला था या जो एटॉमिक वेट निकला था वो था 12, और इसी के रेफरेंस को लेके जो है बाकी कंपोनेंट्स के मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट को कैलकुलेट किया गया था, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपके साथ चलते हैं। अब इसके ऊपर जब हम बात करें तो कार्बन के लिए जो 12 था, अगर मुझे कॉपर का निकालना हो तो कार्बन कॉपर के हमने उतने ही एटम्स को रखे, 6.02 × 10²³। और जैसे ही आप यहाँ पे ये इतने ही एटम कार्बन कॉपर का रखते हैं, रिस्पेक्टिव टू द जो है कार्बन उसका एटॉमिक मास आ जाएगा, आप वे करके निकाल सकते हैं कि बेसिक तौर पे जो एटॉमिक मास या जो मॉलिक्यूलर मास आता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो इस पे डिपेंड करता है कि उसके उतने एटम रख दीजिए, कितने एवोगैड्रो नंबर के बराबर, कितना 6.023 × 10²³, इतना एटम आप रखिए कहानी बन जाएगी। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मोल इसी से रिलेटेड भी होता है, चर्चा करते हैं कैसे और क्या। तो किसी भी कंपोनेंट, किसी भी सब्सटेंसेस का मोल तीन चीजों पे बेसिस पे कैलकुलेट किया जा सकता है। मोल कैलकुलेट किया जा सकता है कि आप उसके नंबर के रेफरेंस में कर रहे हैं, या आप उसके मास के रेफरेंस में मोल कैलकुलेट कर रहे हैं,
या वॉल्यूम के रेफरेंस में कैलकुलेट करें। हो सकता है कि किसी के पास जो है HCl का लिक्विड पड़ा हो, और किसी के पास जो है NaCl का सॉलिड पड़ा हो, और किसी के पास डीएनए के नंबर पड़े हो। तो डीएनए के पास, जिसके पास 100 डीएनए मॉलिक्यूल है, उससे वो कैसे मोल में कन्वर्ट करे। किसी के पास 2 ग्राम NaCl है तो वो कैसे मोल में कन्वर्ट करे, या किसी के पास 10 ml HCl है तो वो कैसे मोल में कन्वर्ट करे। तो सवाल यह आता है कि हर एक पर्टिकुलर एंटिटीज के बेसिस पे मोल को कैलकुलेट किया गया। अगर आपके पास मोल जो होता है, एक मोल बराबर होता है इतने एटम के, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10^23 एटम्स। अगर इतने एटम हैं तो वो एक मोल के बराबर होगा। इससे जितना ज्यादा होगा उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो 1 मोल इज इक्वल टू द 6.023, ठीक है, 6.023 इंटू 10^23। 1 मोल इज इक्वल टू द दिस नंबर। अगर आप इन टर्म्स ऑफ नंबर की बात करते हैं तो 1 मोल जो है इसके बराबर, इतने नंबर ऑफ एटम्स के बराबर या इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं, किसी ने कहा कि अगर मैं कितने लीटर वॉल्यूम को एक मोल कंसीडर करूंगा, तो किसी भी एंटिटी का चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे कोई भी पार्टिकल हो, किसी भी एंटिटी का अगर 22.4 लीटर है एट एनटीपी, एनटीपी का मतलब होता है नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और टेम्परेचर जो हो जाएगा 1 एटीएम के बराबर, इसमें जब आप रखते हैं तो इतना वॉल्यूम एक मोल कंसीडर होगा, यानी 22 लीटर किसी चीज का सोल्यूशन एक मोल के बराबर है, इतना एटम एक मोल के बराबर है, और किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वही उसके एक मोल के बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ मास। अगर जैसे कार्बन का मुझे एक मोल निकालना हो तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज कंसिडर्ड एज 1 मोल ऑफ द कार्बन, क्योंकि 12 उसका एटॉमिक वेट है और 12 ही उसका ग्राम है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1 उस हिसाब से आ जाता है। 6.023 into 10^23 नंबर ऑफ द एटम 1 मोल, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो तो मास 1 मोल, वॉल्यूम में 22.4 लीटर के बराबर हो तो 1 मोल। तो एक मोल को आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या मोल को आप इन तीनों पैरामीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपके पास चाहे वो वॉल्यूम में दिया गया हो, चाहे नंबर में हो, चाहे वो मास में हो। अगर आपके पास 10 डीएनए मॉलिक्यूल है तो उसके कितने मोल होंगे, अगर आपके पास 2 ग्राम कार्बन है तो कितना मोल होगा, या आपके पास 10 लीटर जो है किसी सोल्यूशन है तो कितना मोल होगा। तो ये सारी चीजें जो है समझने की हम कोशिश करते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए। तो मैंने मोल को बताया कि हम तीन टर्म्स में जो है वो मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइदर वी कैन कैलकुलेट द मोल इन द टर्म्स ऑफ नंबर, आइदर वी कैन कैलकुलेट द मोल्स इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, आइदर और वी कैन कैलकुलेट द टर्म्स इन द, वी कैन कैलकुलेट द मोल इन द टर्म्स ऑफ मास, मास के बेसिस पे कर सकते हैं। चलिए, तो मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अब इस फॉर्मूले में जो बेसिक चीज आ रही है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मास और द वेट, तो उसके लिए जो है ये पूरा बेसिक कंडीशन यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी एटम का अगर मोल कैलकुलेट करना होता है तो उसमें उसका वेट कितना है और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, यही बेसिक तौर पे होता है आपका क्या, मोल इन रिस्पेक्ट टू द वेट और मास। एग्जांपल ले लीजिए, मेरे पास मान लेते किसी एक बंदे के पास, उसने कहा कि मेरे पास जो है वो ग्लूकोज है और ग्लूकोज के जो है मेरे पास 60 ग्राम है, कितने ग्राम है 60 ग्राम है, और मैं जो है इस 60 ग्राम ग्लूकोज को किसी सोल्यूशन में रखना चाहता हूं, तो मुझे कितना मोल मैं इस ग्लूकोज को शो करूंगा, ठीक है। तो मोल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कि द वेट ऑफ दिस ग्लूकोज इज 60 ग्राम, ठीक है 60 ग्राम, एंड द एटॉमिक वेट, जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 180 ग्राम पर 180 ग्राम मोल, ठीक है ये हो जाता है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अब इसको जब डिवाइड करोगे तो ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर चला जाएगा, और इसको करोगे तो ये आ जाएगा 0.33 मोल, ये होता है उसकी मोल की वैल्यू। ये एक एग्जांपल होता है कि अगर आपके पास 60 ग्राम ग्लूकोज है तो अगर आप उसको मोल में रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको कितना शो करोगे 0.33 ग्राम। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो मुझे जरा सा बताओ कि अगर किसी एक पर्सन के पास जो है, मैंने बोला NaOH, अगर NaOH 20 ग्राम है तो
तो इसका कितना मोल होगा जनाब? What should be the mole of the NaOH if the weight of NaOH is 20 gram? इसके लिए NaOH का molecular weight पता होना चाहिए, ठीक है? NaOH का molecular weight होता है 40 gram per mole, तो weight हो जाएगा 20, NaOH का molecular weight हो जाएगा 40, 20 upon 40, that is 0.5 mole, right? अब जरा सा इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि अगर मैं ग्लूकोज का 60 ग्राम की जगह 180 ग्राम रख लू, ग्लूकोज के 60 ग्राम की जगह 180 ग्राम रख लू, तो अगर ग्लूकोज का वेट 180 ग्राम हो जाए तो मोल कितना हो जाएगा? अगर मैंने ग्लूकोज के वेट को 180 रख दिया तो मोल कितना हो जाएगा? 1 मोल। और यही तो 1 मोल का डेफिनेशन अभी मैंने बताया कि 1 मोल वही मोल होता है जिसमें वेट किसके बराबर हो जाता है? मॉलिक्यूलर वेट के। तो व्हेन द वेट इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट, जब इसको आप 1 रख दोगे, आप इसको 1 रखोगे तो मॉलिक्यूलर वेट इधर चला जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंसेस। तो 1 मोल इज नथिंग, आप ध्यान रहे कि 1 मोल इज नथिंग, 1 मोल इज वेरी सिंपल, कि 1 मोल आप उसे कहेंगे जब किसी कंपाउंड का जो वेट है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाए, और जब वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाए तो वही हो जाता है 1 मोल, ठीक है जनाब? अब इसी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर के बेसिस पे या वॉल्यूम के बेसिस पे। अब यहां पे एक वैल्यू दी गई है, वो है डेसीमीटर क्यूब, जिसे पता है अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है डेसीमीटर क्यूब ही लीटर के बराबर होता है, ठीक है? तो अगर आगे आपको पता है तो ठीक, नहीं तो मैं मेंशन कर दे रहा हूं, डेसीमीटर क्यूब इज 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है? और नहीं तो 1 मीटर क्यूब की बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है इट इज इक्वल टू 10^3 लीटर, ध्यान रहे। एंड 1 मीटर क्यूब जो हो जाएगा वो 10^6 लीटर के बराबर होगा। ये कई बार क्वेश्चन जो है आते हैं तो कई लोगों को यूनिट कन्वर्जन ही नहीं पता होता, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर है। तो यहां पे 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर की बात हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रहे। अब नंबर ऑफ मोल्स को अगर वाटर में वॉल्यूम के बेसिस पे करना है तो वॉल्यूम ऑफ द एनी गैस इन लीटर एट एनटीपी डिवाइडेड बाय 24 डेसीमीटर क्यूब इन लीटर, तो आप डेसीमीटर क्यूब को यहां पे लीटर कर सकते हैं, ठीक है? एग्जांपल ले लेते हैं, किसी एक बच्चे ने कहा कि मेरे पास जो है कोई एक सोल्यूशन था एक्स सोल्यूशन, और एक्स सोल्यूशन का जो मेरे पास जो लीटर है वो है 11.2 लीटर, मेरे पास उस सोल्यूशन का 11.2 लीटर है, तो क्या इसका मोल कितना होगा? तो इसका मोल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम इन लीटर 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, दैट इज 0.5 मोल, ये आ जाएगा। अगर वॉल्यूम 22.4 कर दूं तो मोल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या मैं 1 मोल को ऐसे नहीं कह सकते कि 1 मोल इज नथिंग, 1 मोल इज नथिंग, इट जस्ट द वॉल्यूम ऑफ एनी कंपाउंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 22.4 लीटर, यस और नो? अगर किसी कंपाउंड का वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाए तो वही 1 मोल के बराबर है, ठीक है? इसी तरीके से नंबर की बात कर लेते हैं। अब अगर मैं नंबर की बात करता हूं, नंबर के रिस्पेक्ट में मोल को कैलकुलेट करना चाहूंगा, तो मान लेते किसी के पास 100 डीएनए मॉलिक्यूल है, 100,000 डीएनए मॉलिक्यूल है, जैसे किसी सेल में डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए का कोई वॉल्यूम थोड़ी हो रहा है, डीएनए का कोई जो है वेट कर सकते हैं, वेट 660 डाल्टन से कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बात करूंगा आगे। लेकिन डीएनए का अगर नंबर है या किसी भी हार्मोन का नंबर है, तो उस बेसिस पे जो है आप उसका मोल कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर रेदर देन द वॉल्यूम। तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उसको जैसे सिंपल नंबर ऑफ ऑन द पार्टिकल डिवाइड बाय द एवोगैड्रो नंबर, ये होता है एवोगैड्रो नंबर, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर मैंने एग्जांपल के तौर पे मान लेते किसी बच्चे के पास किसी बच्चे ने कहा कि सेल के अंदर जो है मैंने एक हार्मोन को ढूंढना है, और उस हार्मोन का जो है बेसिक तौर पे जो नंबर उसने कैलकुलेट किया वो बताया कि दैट इज 12 × 10^22, आई रिपीट 12 × 10^22 है ये नंबर है, ठीक है? तो इसका मोल कितना हो जाएगा जनाब? तो मोल कैलकुलेट कर सकते हो, लिखोगे 12
इंटू 10 to power 22 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 to power 23 सॉल्व करोगे तो ये लगभग वैल्यू आएगा 0.2 मोल आएगा कि नहीं आएगा। अरे हाँ या ना, कैलकुलेशन इतना मजेदार आप लोग करो, 0.2 आएगा। ठीक है, कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो तो ले लेना भाई, इसको आप लोग को कहना कोई, अब तो ऐसा लगता है कि कितनी बार कहो, और एक लेवल ऐसा आएगा कि भैंस के आगे बीट बजाने वाले कंडीशन आ जाएगी, वैसी हरकतें मत करना कि मुझे वो वाली फीलिंग आ जाए। ठीक है, तो इसका जो है 0.2 मोल आपको दिख रहा होगा। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बोलूं कि मैं अगर नंबर को, जो प्रोटीन हार्मोन या डीएनए के नंबर को 6.023 to 10 to power 23 कर दूं, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, मोल की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं, क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं कि दैट, जैसे मैंने 1 मोल को बोला कि 1 मोल का मतलब है कि वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, या 1 मोल का मतलब है वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4, या 1 मोल का नंबर हम ये बोल सकते हैं कि 1 मोल इज गोइंग टू बी द इक्वल टू व्हेन नंबर इज इक्वल टू 6.023 into 10 to power 23, यस और नो? ठीक है, तो आपको 3 तरीके से मोल कैसे कैलकुलेट करना है समझ में आया। अगर आपको जो है वेट दिया हो तो उस केसेस में जो फॉर्मूला होता है मोल का वो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको मास के टर्म में करना है तो, अगर आपको नंबर के टर्म में करना है तो यहां पे होता है नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर आपके वॉल्यूम के टर्म में करना है तो यहां पे क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ एनी कंपाउंड, एनी एंटिटीज इन द बायोलॉजिकल सैंपल। आपके अगर नंबर भी है तो भी कैलकुलेट कर सकते, मास भी है तो भी कर सकते हैं, और वॉल्यूम भी है तो भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई मोल कैसे कैलकुलेट करना? अगर इतनी समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बता दो, दिसंबर 2015 का एक क्वेश्चन आया हुआ मोल के। ऑप्शन कितना होगा, ए, ए होगा कि जो है ऑप्शन सी होगा, देखो इसमें क्या बोला गया, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। द जीनोम ऑफ बैक्टीरियन इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल विच इज 10 to power 9 बेस पेयर लॉन्ग। लेकिन बेस पेयर से मतलब थोड़ी है, हमें तो नंबर से मतलब है ना, उस डीएनए में कितने बेस पेयर है इससे मतलब ही नहीं है, हम किस चीज का मोल निकाल रहे हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ द जीनोमिक डीएनए, हमें जब डीएनए का मोल निकालना है तो हमें डीएनए का नंबर चाहिए, ना कि डीएनए के अंदर बेस पेयर का नंबर चाहिए। सो यहां पे अगर हम बात करें तो नंबर कितना दिया हुआ है डीएनए का, सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ डीएनए दैट इज गिवन 1, एंड यू नो दैट द एवोगैड्रो नंबर यहां पे दिया हुआ है कि कंसीडर एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6 into 10 to power 23। तो जरा सा मुझे बताओ कि ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी, मोल की वैल्यू हो जाएगी नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर दैट इज 1 upon 6 into 10 to power 23, और 10 to power 23 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 1 upon 6 into 10 to power 20 minus 23। बोलो तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा आपका ए। ठीक है,